नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। और अब आप नियमित रूप से चूरू अपडेट देख सकते हैं शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 154, हमारी यूट्यूब चैनल और साथ ही फेसबुक पेज पे। और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। चूरू में आज इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई। बुधवार रात्रि 2:30 बजे कलेक्ट्रेट के पास सड़क किनारे एक नवजात बच्ची मिली। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर एक युवक उसके पास गया। आसपास कोई नहीं दिखाई देने पर युवक ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल टेस्ट करवाया, तत्पश्चात बच्ची को चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया। मेडिकल टेस्ट के बाद बच्ची को स्वस्थ बताया जा रहा है। ये बच्ची रात को 2:30 बजे हमारे पास लेके आए थे चाइल्ड लाइन से कपिल वाटी। उनके साथ एक बंदा था, उनको मिली थी। उन्होंने बोला हॉस्पिटल में हम चेक करवा के लाए, तो हॉस्पिटल वालों ने यहाँ भेजा है। और उस बंदे का नाम शेर सिंह नाम से थे, चूरू से पुनिया कॉलोनी के पास से, बाबोसा मंदिर के पास गर्भवत है। उसने अपना रात को 2:30 बजे वो लेके आए, तो उन्होंने बोला कलेक्ट्रेट के पास की बच्ची हमें मिली। हम वहाँ से इसको हॉस्पिटल लेके गए और फिर हॉस्पिटल वालों ने यहाँ भेजा। यहाँ रात को 2:30 बजे लेके आए, तो यहाँ हमारे अधिकारी समाज के अधिकारी मोहम्मद अस्पाक थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं भी यहीं सो रहा था। चूरू में आज सार्वजनिक विभाग के अधीक्षण अभियंता के निजी सहायक को ACB ने ट्रैप किया। निजी सहायक ने ठेकेदार भंवर सिंह का लाइसेंस नवीनीकरण व जमा सुरक्षा राशि वापस करने की एवज में 3,000 की रिश्वत मांगी थी। इस पर ACB CI रमेश चंद्र माचरा ने कार्रवाई की। मेरा रजिस्ट्रेशन था S3 सी क्लास का बना हुआ पिछले एक साल से, तो उसके इस 13/9 को अवधि खत्म हो रही है। मैंने उसको स्थायी बनाने के लिए AC ऑफिस में गया, तो उन्होंने बोला कि तुमने दो पिछले जो साल में जो कार्य किए हैं उनका विवरण लिया एक्शन ऑफिस से, तो मैंने अशोक जी के पास गया विवरण लेने के लिए। तो उन्होंने 2-3 दिन तो चक्कर कटवाए मेरे को, फिर बोला भाई अभी 5,000 रुपये लेऊँगा, फिर 4 लेऊँगा, फिर 3 तो उसके, फिर एक मेरी रिफंड SD राशि रुकी हुई थी रतन नगर, मैंने एक फंड किया था उसकी, तो उसकी सीमा 3 महीने की होती है, लेकिन एक साल से भी ऊपर हो गया। 9/9/19 को परिवादी श्री भंवर सिंह निवासी खंडवा ने हमारे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ऑफिस चूरू में आके कंप्लेंट की कि उसका सी श्रेणी का अस्थायी लाइसेंस है PWD में ठेके लेने का, उसको स्थायी करवाने के लिए उसने एप्लीकेशन दे रखी है। और एक पिछले साल जो उसने काम किए थे उसकी SD राशि 46,000 रुपये जमा है, उसका भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। तो वहाँ पे अशोक कुमार जोशी जो PA हैं एक्शन का, साथ में AC ऑफिस में भी काम करता है अतिरिक्त प्रभार, तो उसने 5,000 रुपये की डिमांड की है और 3,000 रुपये लास्ट में जाके 3,000 रुपये फाइनल हुआ है। इस पर आज उनको ऑफिस में 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, वह रिश्वत राशि बरामद कर ली। वह अशोक कुमार जोशी को गिरफ्तार किया। नोट कौन कौन से थे? 500-500 रुपये के नोट थे। आपका नाम? रमेश माचरा, पुलिस निरीक्षक ACB चूरू। सरदार शहर में जल झूलनी एकादशी पर ताल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित भव्य दौलोत्सव कार्यक्रम के दौरान विशाल कलश एवं शोभा यात्रा निकाली गई। राज वाले कुएं से शुरू हुई यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई ताल मैदान में स्थित जोहरी गणगौर घाट पहुंची। यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई गई। ताल मैदान के जोहड़े पर ठाकुर जी का शाही स्नान के साथ साथ गंगा आरती व संत प्रवचन कार्यक्रम हुआ। सुजानगढ़ में राजस्थानी भाषा के कवि पद्मश्री व राजस्थान रतन कन्हैयालाल सेठिया की जन्म शताब्दी पर साहित्य अकादमी नई दिल्ली व मरुदेश के संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय साहित्यिक समारोह आज बुधवार से शुरू हुआ। धरती धोरारी जैसे अमर गीत के रचनाकार स्वर्गीय सेठिया की हवेली में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन देव चारण मुख्य अतिथि थे, जबकि दूरदर्शन के पूर्व निदेशक नंद भारद्वाज ने अध्यक्षता की। आंदोलन आज भोर उन्मा
वो आयोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि राजस्थानी लोग प्रयाग कन्हैयालाल जी से अलग अलग प्रयास और राजस्थानी भाषा की मान्यता सारू तो शायद उन दिवंगत आत्मा की जोतसु आपने भी की सीख मिले। योगेंद्र फौजदार चूरू के नए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होंगे जो पहले बीकानेर में अतिरिक्त पुलिस लीव रिजर्व बीकानेर रेंज पद पर आसीन थे। वर्तमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र शर्मा को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस कंट्रोल रूम में नियुक्त किया गया है। सादुलपुर क्षेत्र में 5 दिन पूर्व बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर चोरी हुए सीमेंट के कट्टों को लेकर आज स्टोन बिल्डिंग मटेरियल एसोसिएशन ने थाना अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। सतीश पूनिया के नेतृत्व में व्यापारी सादुलपुर थाने पहुंचे जहां पर थानाधिकारी विजय कुमार मीणा को ज्ञापन प्रेषित कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। राजगढ़ में आए दिन चोरी वारदात हो रही है और कुछ दिन पहले एसपी साहिबा भी यहां आ गए भ्रमण करके गई थी और उसके दूसरे दिन ये वारदात हो गई। अब करीबन 60-70 घंटे चोरी करके ले गए। अब तो ज्ञापन की कोई कार्रवाई हो सरदार शहर में सर्व समाज के लोगों ने आज उपखंड अधिकारी कार्यालय के आगे प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सुनील हत्याकांड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था उन पर राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ था उसको वापस लेने बाबत यह ज्ञापन प्रेषित किया गया। विगत दिनों सुनील हत्याकांड जो हुआ था उस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया गया था। पुलिस ने दुविधापूर्ण तरीके से सरदार शहर के 60 युवाओं पर 283 और 143 धारा के अंतर्गत केस दर्ज किया, राजकार्य में बाधा का केस दर्ज किया जो कि बिल्कुल भी गलत और झूठा था। इस दुविधापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ हमने मुख्यमंत्री के नाम यहाँ पर SDM साहब को ज्ञापन दिया है। जल्द से जल्द इन मुकदमों को विड्रॉल किया जाए नहीं सरदार शहर हमारा समाज और सरदार शहर की जनता इनके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। सरदार शहर के वार्ड नंबर 12 में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन आज कथावाचक कोमल पारिक ने भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं को विस्तार से सुनाया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार की झांकी सजाई गई। कथा में आज बीरबल राम निर्मल कुमार जांगलवा परिवार की ओर से 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान बजरंगलाल नाई सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। तारानगर के श्री राम नर्सिंग होम मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का शुभारंभ पूर्व पालिका अध्यक्ष जसवंत स्वामी ने रिबन काटकर किया। अस्पताल के गायनो स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल ने हॉस्पिटल को मामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा जोड़ा ही जा रहा है जिससे मामाशाह वाले लाभार्थियों को फ्री उपचार की जल्दी सुविधा मिलेगी। साथ ही यहाँ बहुत ही शीघ्र सोनोग्राफी की सुविधा 3D 4D सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। सभी प्रकार के जटिल से जटिल ऑपरेशन नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन प्रवाह बच्चेदानी के ऑपरेशन बच्चेदानी की गांठ निकालना अंडेदानी की गांठ निकालना सभी तरह के जटिल ऑपरेशन DNC की सुविधा तथा हृदय रोग दमा अटैक माइग्रेन लकवा सांप का खाना पीलिया तपैदिक डेंगू मलेरिया मौसमी बुखार सभी प्रकार के और हार्ट अटैक आना सभी प्रकार की इमरजेंसी की सुविधा अभी से ही हुआ। नर्सिंग होम का विधिवत पूजा पाठ कर शुभारंभ हुआ है। तारानगर के लंबे समय से ये ट्रस्टियों द्वारा बनाया हुआ बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और मैं आशा रखता हूँ और विश्वास भी रखता हूँ कि आने वाले समय में तारानगर में जो सुविधा श्रीराम नर्सिंग होम द्वारा बढ़ाई जाएगी वर्तमान में हर तरह की जाँच की सुविधा उपलब्ध है। गायनो स्पेशलिस्ट भी है फिजिशियन भी है इसके अलावा एक दो रोज में थायराइड की जो मशीन है वो भी इस हॉस्पिटल में उपलब्ध रहेगी जिससे हर तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। सोनोग्राफ भी उपलब्ध है हर तरह की जो भी ICU भी है एक बड़े शहर में जो सुविधा होती है वो श्रीराम नर्सिंग होम में आज की तारीख में उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद। चूरू का RJ हेल्पलाइन फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रहा है। यह संस्था चूरू के एक मामले में सऊदी में फंसे व्यक्ति की कर रही है मदद। सलाम अलैकुम नमस्कार मैं इंडिया राजस्थान चूरू का रहने वाला हूँ और 5 साल से उनको बहुत परेशान कर रहा
न छुट्टी न एग्जिट न हमारा पैसा दे रहा है। अब एक साल से तो खाना पीना खर्चा कुछ भी नहीं दे रहा है और बहुत परेशान है। प्लीज हम भी बच्चे भी परेशान है उधर, हम भी इधर परेशान है और सफा कंपनी है जिद्दा के अंदर है, प्लीज हेल्प। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ कुरैशी है, मैं चूरू का वार्ड नंबर 18 का हूँ। मेरे चाचा सऊदी अरब में जिद्दे के अंदर सफा कंपनी में उनको सर्विस करते हुए तो कई साल हो गए, लेकिन अब 5 साल से वो घर नहीं आ रहे, वो परेशानी में। उनको 15 महीने से कोई सैलरी नहीं दे रहा, कोई उनको पूछ नहीं रहा उनका हाल चाल। अब वो खाने के मोहताज हो रहे हैं। तो हमने RJ हेल्पलाइन से भाई अमजद जी तुगलक जी से मिले हैं, उन्होंने हमें थोड़ा आश्वासन दिया है और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद अमजद जी तुगलक जी का। इन्होंने एक दिन मेरे को कॉल किया कि भाई साहब, मेरे चाचा जी ऐसे ऐसे जद्दा कंपनी में फंसे हुए हैं, आप हमारी क्या मदद कर सकते हो। मैंने इनसे सारे डॉक्यूमेंट मांगे, लगभग 15 दिन पहले की बात है। फिर मैंने वो डॉक्यूमेंट सारे हमारे जो संयोजक है इंडिया के NS नेगी जी, उनको भिजवाए और उन्होंने इसका एक ग्रुप बना के जो हमारे सऊदी अरब में जो इंडियन एम्बेसी के कोऑर्डिनेटर है उनको उन्होंने केस दर्ज करवा दिया है। हमारे लोग सऊदी अरब में जाके असलम जी कुरैशी से मिलकर आए हैं और हमने ये पता किया है कि ये कोई छोटा मुसस्सा नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें इंडिया के 600 लोग के आसपास फंसे हुए हैं, हमारे लोग इसमें लगे हुए हैं, जल्दी इसमें हमें अच्छी खबर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आज माता रानी भटियाणी जी माजीसा का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में गढ़ परिसर से एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। राजल देशर में पशुपालन विभाग द्वारा दिनांक 11 सितंबर से 20 अक्टूबर तक चलने वाले पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम हेतु टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कस्बे के श्री राजल देशर गौशाला से पशु चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हीरालाल सोनी ने किया। पहले दिन 150 गायों के टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर गौशाला के कार्यकारी अध्यक्ष रामावतार सोनी, उप मंत्री विनोद भाटिया भी उपस्थित थे। राजल देसर में श्री राजल देसर गौशाला की नवगठित कार्यकारिणी की बैठक गौशाला अध्यक्ष महेंद्र दुगड़ की अध्यक्षता में व महाराज सुजीत नाथ के सानिध्य में आयोजित की गई। बैठक में नव निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत समारोह रखा गया व गौशाला में 3 साल की कार्य योजना बनाई गई, जिसमें विभिन्न समितियों का गठन किया गया। गौशाला परिसर में अति शीघ्र 40 लाख रुपए की लागत से शक्तिपीठ धाम बनाया जाएगा। गौशाला की जो नई कार्यकारिणी बनी है, मेरा सौभाग्य है कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगले 3 साल में राजल देसर गौशाला आज जो भी उन्नति पे है उससे 10 गुना ऊपर जाए। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो भी हमारी कार्यकारिणी टीम है उसके अंदर, जैसा मैंने कहा कि 70% जो मेंबर है वो सारे 50 से नीचे के युवा मेंबर हैं सारे, और उनसे उम्मीदें सबसे ज़्यादा है। जो 50 के ऊपर के हैं वो गाइडेंस दे सकते हैं, काम को बैठ करके करवा सकते हैं, लेकिन जो युवा टीम है वो सबसे ज़्यादा काम करने में सक्षम है और काम की एनर्जी देने में सक्षम है। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि हम अगले 3 साल में गौशाला को एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड, एक नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। धन्यवाद। राजल देसर कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए पारस दुगड़ की स्मृति में उनके परिवार के भामाशाह मंगतमल दुगड़ ने विद्यालय को RO प्लांट भेंट किया, जिसका उद्घाटन गौशाला के अध्यक्ष महेंद्र दुगड़ व विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमन ठाकर ने किया। रतनगढ़ में आशीर्वाद 2019 के अंतर्गत श्री गोड़ ब्राह्मण समाज की मातृशक्ति की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन श्री परशुराम अतिथि भवन में किया जा रहा है। आयोजन प्रभारी नरेंद्र सांकृत्य ने बताया कि श्री गोड़ ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा 27 सितंबर को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, समाज सेवा, खेल, राजकीय सेवाओं में चयनित प्रतिभाएं एवं उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया जाएगा। रतनगढ़ में श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति ने प्रेरणादायी फैसला लिया है। अब भवन में किसी भी प्रकार का डिस्पोजल का प्रयोग नहीं किया जाएगा,
समिति की बैठक में यह निर्णय आज लिया गया। रतनगढ़ में परमाणा ताल के पास भूतनाथ मुक्ति धाम में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा में लोग बहुत ही उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। सजीव झांकियों के माध्यम से पंडित पंकज अत्रे ने कथा का सुंदर वर्णन किया। रतनगढ़ में स्थानीय वार्ड संख्या 31 से 3 दिवसीय जसोल धाम यात्रा संघ बुधवार को माता के जयकारे के साथ रवाना हुआ। रतनगर कस्बे के मेन मार्केट स्थित भगवान शिव के प्रतापेश्वर महादेव मंदिर के सामने आयोजित गणेश महोत्सव में आज रात्रि को जागरण होगा, जिसमें गुलाबनाथ जी महाराज अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। घांगू में शहीद सैनिक हवलदार राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय घांगू की छात्राओं ने 19 वर्ष सीनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सीनियर वर्ग टीम में निकिता, समजीदा, कोमल ढाका प्रतिभागी छात्राएं रही। 19 वर्षीय सीनियर वर्ग बैडमिंटन एकल प्रतिस्पर्धा में निकिता चैंपियन बनी। चूरू के स्थानीय सिंगी धोरा स्थित टाई वालों की छतरी में आज भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। वह इस अवसर पर मटकी भी उतारी गई व सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। ये जो छतरी है शिव मंदिर टाइम वालों के नाम से है और इसमें ये जो आयोजन होता है ये 6 वर्षों से लगातार हो रहा है और सबके सहयोग से होता है। इसमें मोहल्ले के सब कुछ जो सब प्रमुख प्रमुख लोग हैं वो सब इसमें सहयोग करते हैं और इस आयोजन में जो ये 2 महीना है इसमें जो प्रदोष आती है उस दिन ये आयोजन किया जाता है और इसमें क्या कि शिव जी का रुद्राभिषेक होता है सुबह तो और शाम को है इसमें प्रसादी का प्रोग्राम होता है और इसमें जो लास्ट साल जो हुआ था आयोजन उसी के अनुरूप इस वर्ष भी 11 जो जोड़े बैठे हैं अभिषेक में और इससे ये कार्यक्रम हो रहा है। ये था आज का चूरू अपडेट और अब चलते चलते देखते हैं मंगल सिंह महला का कैरी केचर। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। नमस्कार।